जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन निकोड़े, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा बेटा, आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन का वीडियो है बेटा। आज इसमें हम फील्ड क्राफ्ट क्या होता है, बैटल क्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि सर फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के ऊपर वीडियो बना दो, तो यह वीडियो बेटा उन्हीं के लिए है। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फील्ड क्राफ्ट क्या होता है। देखिएगा फील्ड क्राफ्ट, फिर देखेंगे बैटल क्राफ्ट क्या होता है। तो बेटा फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्र कहा जाता है उन्हें, ठीक है। फील्ड का मतलब होता है बेटा एरिया, जिसे क्षेत्र कहा जाता है। तो क्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, विद्या, या उसको बोल सकते हैं हम कला, आर्ट। फील्ड क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट का मतलब होता है क्षेत्र कला। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी परिभाषा क्या है। जब तक हमें पता नहीं होता है कि किसी भी टॉपिक की अगर हमें परिभाषा नहीं पता हो, तो वो टॉपिक हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आता है बेटा। तो पहले हम जानेंगे कि उसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊँगा कि फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट क्या होता है। आप पूरा इसको लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेगा बेटा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए देखिए डेफिनेशन को देखेंगे हम बेटा। क्षेत्र कला उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है बेटा। क्षेत्र कला क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र कला क्या है, क्षेत्र कला उपलब्ध जमीन, जो भी अवेलेबल जमीन होगी ना बेटा, क्षेत्र कला उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की, उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है। क्या है, एक कला है, जिससे, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिससे हम, कौन, जिससे हम अपने को छिपाकर और शत्रु पर लुके छुपे आक्रमण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रकला उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है, जिससे हम अपने को छिपाकर शत्रु पर लुके छुपे आक्रमण कर सकते हैं, उसे क्षेत्र कला कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डेफिनेशन का बेटा। अब हम समझाएंगे, देखिएगा, शायद आपको समझ में आ रहा है बेटा इस डेफिनेशन से। तो देखिए इस पे देखिएगा, अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर्स बनाऊंगा, इस पिक्चर को सही तरह से देखिए, वो फिर समझ में आ जाएगा बेटा आपको। देखिएगा ये क्या है बेटा, एक क्षेत्र है, एक फील्ड है बेटा, ये एरिया है। अब फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, एक क्या है, ये जमीन पे का एक बेटा क्षेत्र है, एक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो सोल्जर अपनी नई नई कला दिखाकर खुद को बचाता है, देखिएगा ये क्या है, एक क्षेत्र है बेटा, एक फील्ड है। यहाँ पर कोई भी सोल्जर अपनी नई नई कला दिखाकर खुद को दुश्मन से, शत्रु से बचाता है, उसको फील्ड क्राफ्ट कहते हैं बेटा। देखिए अब देखेंगे बैटल क्राफ्ट क्या होता है। देखिए बैटल का मतलब होता है बेटा लड़ाई, युद्ध। तो ये देखिएगा एक एरिया है, वार का एरिया, युद्ध का एरिया है। तो यहाँ पे सोल्जर है बेटा, यहाँ पे देखिए इस साइड में सोल्जर है ये, और इधर के साइड भी सोल्जर है, ठीक है। ये इधर भी सोल्जर है, इधर भी सोल्जर है। अगर इन सोल्जर्स को फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के बारे में अगर पता होता है, तो बेटा ये बच सकते हैं, ठीक है, ये बच सकते हैं। ये कैसे बचेंगे अभी देखेंगे। तो फील्ड क्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ये फील्ड, ये जो है बेटा ये जमीन है, एक एरिया है। यहाँ पे कुछ तो ऐसे प्राकृतिक या नेचुरल या मैनमेड जो संरचनाएं होंगी बेटा। मान लीजिएगा ये कोई एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सोल्जर है यहाँ पे छुपता है बेटा, छुपकर इनके ऊपर आक्रमण करता है। मान लीजिएगा यहाँ पे कोई एक सुरंग है,
तो ये सुरंग में छुप जाता है, छुप के इसको फिनिश करता है, खत्म करता है शत्रु को। मान लीजिएगा यहाँ पे कोई वाल है, तो ये वाल के पीछे छुप जाते हैं सोल्जर्स, उसको फिर इधर आक्रमण करते बेटा। मान लीजिएगा ये कोई गड्ढा है बेटा, एकादा गड्ढा है, तो इसमें इस खाई में बेटा, ये खाई है मान लीजिए, खाई में, ये खाई में क्या करेंगे, छुप जाएंगे। ये खाई से छुपकर बेटा उनको खत्म करेंगे, इसको क्या कहते हैं बेटा, फील्ड क्रैफ्ट एंड बैटल क्रैफ्ट। अब समझाऊंगा, देखिएगा, फील्ड क्रैफ्ट बैटल क्रैफ्ट का मतलब जो होता है बेटा, वो होता है अपने आप को छुपाकर, अपने आप को छुपाकर दुश्मन को खत्म करना। देखिएगा, लड़ाई के दौरान अपने आप को जमीन का सहारा लेके, देखिएगा, लड़ाई के दौरान जमीन का सहारा लेके अपने आप को छुपाना। मान लीजिएगा यार ये कोई एक पेड़ है, इस पेड़ के पीछे आप छुप जाओ, छुप के से देखो यार इधर से दुश्मन आ रहा है, दुश्मन को गोली मार के फिनिश कर दो सीधा। तो इसी को बेटा फील्ड क्रैफ्ट बैटल क्रैफ्ट कहते हैं, खुद को छुपाना और दुश्मन को खत्म करना फील्ड के लड़ाई के दौरान, उसको क्या कहते हैं, फील्ड क्रैफ्ट एंड बैटल क्रैफ्ट। समझ में आ रहा है आपको? ओके, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये क्या है, शत्रु है बेटा, इधर से सोल्जर है, ये सोल्जर क्या करेंगे, किसी भी, ये एक तो नेचुरल होंगे, एक तो प्राकृतिक संरचना होगी या मैनमेड संरचना होगी, मतलब उसके पीछे छुप जाएंगे, खुद को बचाएंगे और खुद को बचाते हुए दुश्मन का सामना करेंगे और उनको फिनिश करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? उसी को कहते हैं बेटा फील्ड क्रैफ्ट एंड बैटल क्रैफ्ट। ठीक है, उससे पहले बताना चाहूँगा कि मिशन एनसीसी ने बेटा 20 दिसंबर 2019 को आप लोगों के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया बेटा। आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो यहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके बेटा उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जो भी कैडेट एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम इस साल देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो बेटा आप जानेंगे कि क्षेत्र कला के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, क्षेत्र कला के, देखिएगा, कोई भी सोल्जर अगर क्षेत्र कला में निपुण होता है, अगर उसको नई नई कला दिखा, उसको नई नई कला के बारे में पता होता है, तो वो कहीं से भी बेटा बच निकलता है। कि जैसे मान लो किसी भूमि पे, किसी मैदान पे अगर लड़ाई चल रही हो, किसी जंगल में लड़ाई चल रही हो, या किसी घाटी में लड़ाई चल रही हो, या किसी पर्वत पे लड़ाई चल रही हो, चाहे नदी में भी लड़ाई चल रही हो ना, अगर उसको अगर फील्ड क्रैफ्ट के बारे में पता हो, अगर फील्ड क्रैफ्ट और बैटल क्रैफ्ट के बारे में पता होगा ना, तो वो वहाँ से भी बच निकल सकता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये फील्ड क्रैफ्ट एंड बैटल क्रैफ्ट। और एक बार बताऊँगा फील्ड क्रैफ्ट बैटल क्रैफ्ट क्या होता है बेटा। देखिएगा, जमीन का सहारा लेके खुद को बचाना और दुश्मन को खत्म करना, चाहे आप जमीन के नीचे सो जाओ, जमीन के नीचे छुप जाओ, या किसी सुरंग में छुप जाओ, किसी झाड़ के पीछे छुप जाओ, या चाहे किसी बिल्डिंग के पीछे छुप जाओ, या कहीं भी छुप जाओ, लेकिन खुद को बचाओ, लेकिन दुश्मन को खत्म करो, खुद को बचाओ लेकिन दुश्मन को खत्म करो, उसी को फील्ड क्रैफ्ट बैटल क्रैफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा क्षेत्र कला के उद्देश्य क्या है ये पता होना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, क्षेत्र कला के उद्देश्य क्या है, तो चलिए जानते हैं बेटा अभी क्षेत्र कला के उद्देश्य। देखिए, सबसे पहले तो क्षेत्र कला का उद्देश्य बेटा ढूंढना, शत्रु को ढूंढना, शत्रु को ढूंढकर बेटा उसके नजदीक जाना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है बेटा, शत्रु को ढूंढना, कहां से आ रहे हैं शत्रु और उनके नजदीक जाना। ठीक है, उसके बाद शत्रु का पीछा करना बेटा, जहां पे भी शत्रु दिखता है उनको पता नहीं चलने को होना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसी तरह से उनके पीछे जाना और उनका पीछा करना। और उसके बाद बेटा शत्रु को मूर्ख बनाना, शत्रु को धोखा देना, शत्रु को मूर्ख बनाना, फिर फंसाना, शत्रु को फंसाना, एक जाल बना के बेटा, इस तरह से जाल बना के बीच में शत्रु को फंसाना। उसके बाद में जब शत्रु ऐसा बीच में फंसता हो तो उसको गोली मार के खत्म कर देना। ठीक है, जब शत्रु बीच में फंसता हो तो उसको गोली मार के खत्म कर देना। देखिएगा, फिर एक बार बताएंगे क्षेत्र कला के जो उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे पहले बेटा ढूंढना, उस शत्रु को ढूंढो, उनके नजदीक जाओ, उनका पीछा करो, उसके बाद में शत्रु को मूर्ख बनाओ, शत्रु को धोखा दो, उसके बाद में शत्रु को जाल में, सही तरह से जाल में फंसाओ, फिर गोली मार के शत्रु को खत्म कर दो।
देखिए इसको आप याद रख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखिए इसको 5F के नाम से भी जाना जाता है बेटा, 5F। तो 5F का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ढूंढना, ढूंढना को फाइंड कहा जाता है, आप इसको फाइंड बोल सकते हो। पीछा करना को बोलेंगे फॉलो, ठीक है। और उसके बाद में मूर्ख बनाना, उसको बोलेंगे बेटा फूल। फिर फंसाना फिक्स, और उसके बाद में गोली चलाना को बोलेंगे फायर, ठीक है। जो भी इंग्लिश मीडियम के कैडेट है बेटा उनको फायर, ठीक है। इसको बोलेंगे फाइंड, इसको बोलेंगे पीछा करना को फॉलो, मूर्ख बनाना को फूल, और फंसाना को फिक्स, और गोली चलाना फायर। तो इसको 5S के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन बेटा हम देखेंगे अगले वीडियो में। और फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक मिशन एनसी क्वेश्चन पेपर को परचेज नहीं किया है तो बेटा देखिए यहाँ पे आई बटन होगा, मैं वहां पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे से देख सकते हो। उसे पूरा देखिएगा, बाद में डिसाइड कर दिएगा कि आपको परचेस करना है या नहीं करना है। लेकिन जब तक आप किसी भी मॉडल क्वेश्चन पेपर को छुड़ा के पेपर में नहीं जाओगे बेटा, तब तक अच्छे ग्रेड नहीं ला पाओगे, ठीक है। साथ ही में इस वीडियो के एंड में भी बेटा आपको कुछ ही देर में उस वीडियो बेटा दिख जाएगा आपको एंड स्क्रीन में, ठीक है। साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।